हमारे संगीत पे या किसी भी कला जगत में संस्कारों का बहुत महत्व है। तो जो ये संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं, इसका मुझे मतलब बहुत इसको फायदा लाभ क्या बोलेंगे, तो पर शब्द तो छोटे ही पड़ते हैं, मुझे मतलब बहुत उसका मेरे पे असर हुआ। और जिसको संस्कार मिलते हैं उसके लिए आगे जाने में आसानी होती है। जिसके घर में जैसे अगर संगीत ना हो और उसको जब संगीत सीखना पड़ता है तो उसको एक दो पीढ़ी आके फिर वो रंग आता है। मुझे ये किस्मत है, मेरी सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में पैदा हुआ, ऐसा वातावरण मिला मुझे, उसका मुझे बहुत बहुत ही लाभ है। देश के दिग्गज कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, कुमार गंधर्व जी, प्रोफेसर बी आर देवधर, विद्वान लोग भी आते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सितार के जो उस्ताद, ये सब लोगों का कार्यक्रम हमारे आंगन में होता था पंडाल लगा के। उन दिनों दिल्ली बिल्कुल ही डेजर्ट था, तो कल्चरल कार्य मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम होते ही नहीं थे। वो पिताजी ने वो शुरू किया था और वो हमारे प्रांगण में होता था। तो बचपन में ऐसे सुनते सुनते बड़े बड़े कलाकारों को मैं अम्मा की गोदी में सो जाता था, वो मुझे याद है। और ये उनका असर है। और भी बड़े कलाकार आए। एक बार पंडित विनायक राव पटवर्धन जी का किस्सा सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही नीचे से जीने से गाते हुए आ रहा था, कुछ मल्हार की ऐसी सरगम, मेरे मुंह में बुलाया कि भी आवाज अच्छी है, गाना जरूर सीखना। मैंने कहा सिखाइए, पता नहीं था कैसे बोलना होता है ना, अभी भागो यहाँ से। एक ऐसे अंदाज में लोगों को बोला आवाज ठीक है तो गाना सीखना जरूर, ऐसे उन्होंने। ये सब उन दिनों का वातावरण है सर। अलग अलग प्रकार के जो ऑर्केस्ट्रा होता था, नाट्य बैले होते थे, उसका मुझ पर बड़ा असर पड़ा। बच्चन जी का मधुशाला, वो हमारे रिहर्सल वहीं प्रांगण में होती थी, अमिताभ जी भी आए थे उसमें, मुझे याद है। तो वो सबका कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह कैसे कंपोज होना, ये कॉम्पोजिशन का भी मेरे पे बचपन में बहुत असर पड़ा पिताजी के थ्रू। ये उसका अलग लाभ मुझे मिला।